बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद एंड टुडे वी हैव टॉपिक स्टैटिक डेटा मेंबर इन C++, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैटिक डेटा मेंबर, a type of data member that is shared among all objects of class is known as a static data member. So whenever we declare a data member as a static, so it's mean it share its memory location of all objects with the concerned class. There is no need to create the duplicated object and duplicated memory location for the each objects. The static data member is defined in the class with the static keyword. So whenever we want to declare a data member as a static, so we must use the static keyword. देखिए, static data member किसको कहते हैं? Static data member उस variables को कहते हैं जो कि अपनी memory locations को उन तमाम objects के साथ share करेगा जिसकी class के लिए बनी हुई है। यानी ये जो variables होगा इसका एक मेमोरी लोकेशंस होगा और उसके जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब इनको यूज़ करेंगे। अलग-अलग अलग-अलग से इनका मेमोरी लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। जब भी हम कोई डेटा मेंबर एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इनके लिए जो कीवर्ड है वो स्टैटिक यूज किया जाता है। व्हेन ए डेटा मेंबर इज डिफाइंड एज अ स्टैटिक, ओनली वन वेरिएबल इज क्रिएटेड इन द memory location. So it's a main point, even if there are many objects for that class. So it's mean, suppose we have a class, what? Hello, for example, right? For the class hello, we want to create three objects like A, like B, like C. These are three objects which are created for the hello class. And we declared a data member suppose x as a static. So it's mean the x will be share its memory location with all related objects. So C object can access this memory locations. B can also access this memory locations, right? And A object is also can access this memory location. So it's mean all objects use the same memory location of the x variable. ठीक है जी। सो किसी भी मेंबर को जब आप स्टैटिक डिक्लेयर कर लेते हैं डेटा मेंबर को, तो वो अपनी मेमोरी लोकेशंस को उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करेगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डेटा मेंबर एंड स्टैटिक डेटा मेंबर इज दैट ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वेरिएबल फॉर नॉर्मल डेटा मेंबर्स। ऑन अदर एंड स्टैटिक डेटा मेंबर इज शेयर्ड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। देखो, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, दूसरे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल या उनके लिए नॉर्मल वेरिएबल का वर्ड यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं? ये अगर किसी क्लास में बने, सपोज एक क्लास है, ठीक है जी, क्लास का नाम है, दोबारा लिख लेता हूँ, हेलो क्लास है, क्लास का नाम हेलो है, ठीक है जी। हमने यहाँ पर क्या किए हुए हैं, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है, सपोज वेरिएबल का नाम है जेड, राइट। जेड एक वेरिएबल है, हमने इस क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, एक का नाम ए रख दिया है, दूसरे का नाम क्या रख दिया, बी रख दिया है, तीसरे का नाम सी रख दिया। हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट इसके बन गए, हमने अपनी जरूरत के मुताबिक बना दिए, ठीक है जी। नाउ वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फॉर द हेलो क्लास। सो व्हाट्स हैपन इन दिस केस, A will maintain individual location for Z. Suppose it's the location of the Z here, right? We will also maintain separate location for the Z. And C will also implement the separate memory location for Z. So हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस Z के लिए इंडिविजुअली मेमोरी लोकेशन अपने पास मेंटेन करेगा। लेकिन अगर हम कोई क्लास मेंबर
एज अ स्टेटिक डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैं एक मेंबर डिक्लेयर करता हूँ, नाम देता हूँ जे, व्हाट जे, ये मैंने स्टेटिक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी। नाउ आई हैव ए डेटा मेंबर कॉल्ड व्हाट जे, सो व्हाट्स हैपन इन दिस केस, जे जो हमारे पास हेलो क्लास में होगा, ठीक है जी, उसका अलीहदा में एप्लीकेशंस होगा, उसको ए वेरिएबल भी क्या करेगा, यूज़ करेगा, उसको बी वेरिएबल भी यूज़ करेगा, और उसको सी वेरिएबल भी क्या करेगा, यूज़ करेगा। सो देखो ये मेन डिफरेंस है, जे का एक ही मेमोरी लोकेशन है जो कि इसने शेयर कर दिया इन तमाम ऑब्जेक्ट के साथ, क्यों, ये स्टैटिक है। इसके मुकाबले में हमारे पास जो जेड था वो नॉर्मल मेमोरी लोकेशन था, तो उसके अलीहदा अलीहदा मेमोरी लोकेशन उस कंसर्न ऑब्जेक्ट्स में बन गए। Only one memory location is created for the static data member that is shared among all objects. Okay. So now we have a small example for the more explanation, for the more demonstration. So let us see what's happened in this example. हमारे पास एक छोटा सा example है, इसी को मजीद elaborate करके देखते हैं. Commits example program for static data member. Preprocessor include IO stream using namespace std. एंड वी हैव क्लास हेलो, हेलो हमारे पास क्लास है, इसमें एक हमने एक डाटा मेम्बर ले लिया एक्स और उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया हेलो नाम से और उसमें एक्स की जो भी वैल्यू है इसको क्या कर दो, वन का इंक्रीमेंट लगा दो, यानी प्लस प्लस क्या करेगा, एक्स की वैल्यू जो भी है उसमें एक का इंक्रीमेंट लगाएगा। वाइट शो क्या करेगा, सी आउट द वैल्यू ऑफ एक्स का मैसेज आएगा और एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा और न्यू लाइन एंड लाइन पर आएगा। ये क्या करेगा, दिस लाइन हेलो, फिर अगर आप डबल कोलन देख रहे हैं, एक्चुअली इट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, व्हाट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और एक्स, तो हम ये कह रहे हैं कि जी एक्स का ताल्लुक किससे है, हेलो क्लास से है, और इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दो क्या, जीरो, सो इट्स मीन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो ये एक्स बन गया हमारे पास, राइट एक्स, और उसको क्या मिल गया, जीरो मिल गया, ठीक है जी। फिर हमने क्या कर दिया है, हमने हेलो के दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए, एक का नाम क्या रख दिया, ए रख दिया और दूसरे का नाम बी रख दिया। अब देखो अगर हम गौर से देखें, हमारे पास क्लास था हेलो, हेलो का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया उसका नाम क्या है, बी है, राइट। एंड व्हाट आर इनसाइड इन द ए एंड बी ऑब्जेक्ट्स, सो लेट्स सी अगेन, वी हैव एक्स, इट्स अ स्टैटिक, वी हैव आल्सो कंस्ट्रक्टर हेलो, वी हैव आल्सो व्हाट ए फंक्शन कॉल्ड शो, हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक कंस्ट्रक्टर है दूसरा शो है, ये दोनों कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। सपोज यहाँ पर हेलो का क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, राइट, और शो का फंक्शन होगा, सेम केस विद द बी, वी हैव आल्सो हेयर व्हाट हेलो, हमारे पास यहां पर भी हेलो का कंस्ट्रक्टर होगा और हमारे पास शो का क्या होगा, फंक्शन होगा। और एक और डेटा मेंबर है उसका नाम क्या है, एक्स है, वो अलीहदा से होगा, ठीक है जी, बी भी इसको एक्सेस करेगा क्या, बी भी इसको एक्सेस करेगा और ए भी एक्सेस करेगा और बी भी इसको एक्सेस करेगा। अब इसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पर, जी एलो का ऑब्जेक्ट बन गया क्या, ए, सो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ना, जर सी बात है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हेलो एक्स की जो भी वैल्यू उसमें एक का इंक्रीमेंट लगा देगा, राइट। सो वेन एवर वी क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ द हेलो, सो कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड इन द इन साइड द कंस्ट्रक्टर वी हैव स्टेटमेंट एक्स प्लस प्लस, सो एक्स की जो भी वैल्यू उसमें क्या कर दो, एक का इजाफा कर दो। देखो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, राइट, वन। फिर अगेन हम देखते हैं कि जी एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, हेलो का,
राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हेलो का बन गया किस नाम से, बी नाम से। सो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है जी, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं हमारे पास जो है वो उसमें है एक्स प्लस प्लस। सो एक्स की जो भी वैल्यू उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या थी, वन थी, तो क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू वन थी, टू हो गई ना, ओके जी। अगर अब मैं कहता हूँ ए डॉट शो, सो ए का मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, शो का फंक्शन। शो क्या करेगा, एक्स की वैल्यू शो कर देगा। सो लिखा होगा वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल क्या, टू है, ये टू। इसी तरह फिर अगर मैं कॉल करूँ बी डॉट शो, तो शो का बी का शो का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो इसकी वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। लिखा होगा वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, टू है। तो अगर हम गौर से देखें ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इन दिस केस एक्स शेयर्ड इट्स मेमोरी लोकेशन विद द कंसर्न ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। ये हमारे पास सर इसका आउटपुट अगर हम देखते हैं, तकरीबन वही चीज़ आ रही है जो कि मैंने डायग्राम यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी। सो इसका अगर हम कोड करके देखते हैं तो मज़ीद शायद हमें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, चलिए इसका कोड करके देखते हैं कि इससे शायद हमारे चीज़ें और ज़रा कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। प्री प्रोसेसर आईओ स्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है जी। मैं टाइम देखता हूँ, अगर वीडियो लेंथी है तो पास करता हूँ, ठीक है जी। मैं इसको स्टॉप करके इसको वो कर दूँगा, कोड करके दोबारा इसको रन कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये कोड मैंने कर दिया है, ठीक है जी। इसको सेव करते हैं, देखते हैं। इसको सेव करते हैं, पहले नाम इसका मैं रखता हूँ क्या, ये स्टैटिक है, तो ST1। एक नज़र देखते हैं, प्री प्रोसेसर इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस क्लास हेलो पब्लिक स्टैटिक एंड एक्स पब्लिक हेलो, हमारे पास क्या बन गया, एक कंस्ट्रक्टर बन गया एक्स प्लस प्लस। वाइट शो, शो में हम सी आउट करके द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। फिर इसकी हमने बाहर क्लास से बाहर इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी एक्स की, और फिर मेन मेन में हेलो का एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी, और फिर ए और बी कॉल कर रहे हैं, ए और बी का शो मेथड कॉल कर रहे हैं। देखते ज़रा, ठीक है, और से देखें द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू, द वैल्यू ऑफ एक्स इज द टू। सो दोनों दफ़ा हमने कॉल कर लिया, ये हम इसका मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है कि क्यूरी है, आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी, मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।